गुलेरिया थाने की पुलिस ने दो सूटरों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुलेरिया थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिनकी पहचान राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह उर्फ राजू उर्फ सालू पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तानविंद जिला अमृतसर पंजाब राज्य हाल मुकाम ग्राम पहाड़ा बेहर थाना कोतवाली सदर जिला लखीमपुर खीरी दूसरा सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह उर्फ छिद्दू पुत्र फुलवंत सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तानविंद जिला अमृतसर पंजाब हाल पता टिप्पनपुरवा थाना कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन भाड़े पर हत्या जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्य का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 15/12/2022 को थाना गुलेरिया में विगत वर्ष हुए ब्रजेश सिंह ग्राम प्रधान हत्याकांड के दो शूटरों सतनाम सिंह और राजवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इनकी अवैध संपत्तियों की भी छानबीन की जाएगी तथा इस तरह से कोई अगर अवैध अर्जित संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे जब्त किया जाएगा।